नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच, और आज लेकर आ गया हूं एक जबरदस्त क्लास जिसमें हम जानने वाले हैं 1,000 से 1 करोड़ तक का बहुत ही बढ़िया रोड मैप जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। अब इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आएगा कि कैसे आप कम अर्निंग से भी एक रोड मैप बना सकते हैं अपनी लाइफ के लिए और डिसिप्लिन होकर 1 करोड़ तक की जर्नी, अपनी पहली जर्नी जो है उसे पूरा कर सकते हैं। आप समझिएगा ध्यान से, बहुत सारी चीजें आपको समझना पड़ेगी, बहुत सारी चीजें सोचना पड़ेगी और उसके बाद ये चीजें निष्कर्ष निकाला जाएगा कि इसको कंप्लीट कैसे करना है, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि आप नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए ताकि ऐसे ही पावरफुल, मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक जो वीडियो है आपको प्राप्त होते रहे आपके जीवन में एक बड़े बदलाव के लिए। ध्यान से समझिएगा कि इस 1,000 से 1 करोड़ की जर्नी को पूरा कैसे करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो है ये 45 डेज का चैलेंज शुरू हो चुका है, जिसमें 1 जुलाई से जो है हमारा 5th गुरुकुल स्टार्ट होने वाला है। तो पहले इसको समझ लीजिए कि बहुत सारे भाई बहन इसको ज्वाइन करना चाहते थे, तो 1 जुलाई से रोज रात को 9 बजे से लेकर 10:30-11 बजे तक की ये क्लास होती है। मतलब हम क्या करते हैं कि पूरे स्टॉक मार्केट को, आपकी हेल्थ को, आपके माइंड मैनेजमेंट को, आपकी मनी मैनेजमेंट को, आपको आपके मेडिटेशन को, बहुत सारी चीजों को यहां पर समझते हैं। 45 दिनों तक आप मेरे साथ रहते हैं और हर एक चीज को हम जीवन की बारीकी से सीखते हैं। रात को 9 से 10:30-11 बजे तक क्लास होती है, तो कोई भी टाइम का बहाना नहीं चलता है वहां पर कि टाइम नहीं है मेरे पास। हर व्यक्ति उस टाइम पर फ्री रहता है, और यदि नहीं भी रहता है तो उसकी रिकॉर्डेड क्लास मिलती है बाद में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यदि आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अच्छा, इसमें हम पढ़ाते क्या क्या है, तो डेली लाइव क्लास होती है, इसमें स्टॉक मार्केट की जानकारी दी जाती है, कैश मार्केट क्या होता है, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई, फिबोनाची, एलियट वेव, ऑप्शन चेन, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग, मतलब कोई भी टॉपिक नहीं छूटता है स्टॉक मार्केट का। उसके अलावा हम लोग हेल्थ के बारे में बताते हैं, माइंड मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, मेडिटेशन, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती है। अब क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है, मानसून ऑफर चल रहा है, तो ये वैसे इसका प्राइस जो है 10,000 है, लेकिन अभी ये मानसून ऑफर में इसका हमने 60% का आपको डिस्काउंट दे रहे हैं इस क्लास के लिए, तो इसका डिस्काउंट होके इसका प्राइस है सिर्फ 3,999। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, ज्यादा सीट्स बची नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और ये वाला जो जुलाई वाली क्लास है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप बहुत ही बढ़िया चीजें होती है इसके अंदर। 45 डेज का हम लोग चैलेंज लेते हैं सभी बच्चों के साथ मिलकर जो भी ज्वाइन करते हैं, और उनके लाइफ में एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। यहां पर सिर्फ स्टॉक मार्केट की बातें नहीं होती है, यहां पर हम लोग लाइफ के और भी पहलू, जैसे हेल्थ है, माइंड है, इमोशन है, मेडिटेशन है, फाइनेंस है, इसकी डिटेल में और बातचीत करते हैं, ठीक है। तो यदि आपको ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 जुलाई रात को 9 बजे से इसकी क्लास शुरू हो जाएगी, और हमारा एप्लीकेशन है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको वो क्लासेस दिख पाएगी, ठीक है। अब समझते हैं कि हाउ टू अर्न 1 CR, रोड मैप क्या है इसका और कैसे आप लोग इसको बना सकते हैं। सबसे पहले आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि आजकल नए बच्चे जो है समझना ही नहीं चाहते हैं उस बात को, क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया स्टार्ट अर्निंग नाउ। कई सारे बच्चे क्या होते हैं, ग्रेजुएशन होने का इंतजार करते हैं कि जब मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा तब मैं कमाना शुरू करूंगा, जब मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तब मैं कमाना शुरू करूंगा, अरे अभी तो मेरे माँ बाप जो है मेरा साथ दे रहे हैं, अरे मेरे पास अभी कोई लोड नहीं है फैमिली का। ये सारी चीजें यदि आप अभी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मुझे कमेंट बॉक्स में पहले तो कमेंट करके बताओ कि क्या आप भी अभी ऐसा कर रहे हैं, मेरी पढ़ाई चल रही है मैं कैसे कमा सकता हूं, मेरे तो अभी फैमिली सपोर्ट कर रही है मैं कैसे कमा सकता हूं, अरे अभी पूरा सब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद देखूंगा। क्या आप भी ऐसे ही किसी थॉट प्रोसेस में हैं? यदि आप ऐसे थॉट प्रोसेस में हैं तो प्लीज इस थॉट प्रोसेस से निकलिए और कुछ भी कमाइए, चाहे आप 5 रुपए कमाइए, 10 रुपए कमाइए, आप 50 रुपए कमाइए दिन का, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, कुछ भी कमाइए, मैं कह रहा हूं कमाना शुरू कीजिए। होगा क्या इससे, अब मैं कह रहा हूं कि दिन का 200 रुपए कमाओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप कुछ नहीं कमाते, 200 रुपए कमाओ दिन का, 500 रुपए कमाओ, 1000 रुपए कमाओ, कुछ भी कमाओ, पर कमाओ। पता इससे क्या होगा, इससे आपका एक अर्निंग माइंडसेट डेवलप होगा, पैसे के प्रति जो आपकी साइकोलॉजी है ना वो चेंज होगी, पैसे की पावर आपको पता चलेगी, पैसा कब नहीं आता है ये पता चलेगा, पैसा क्या करने से आता है ये पता चलेगा, कम पैसा क्या करने से आता है और ज्यादा पैसा क्या करने से आता है ये समझ में आएगा। तो आप यदि अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ करो, चाहे जोमेटो पर डिलीवरी करने लगो, चाहे अमेजोन के सेलर बन जाओ, चाहे अमेजोन की जो डिलीवरी होती है वो, छोटे से छोटा काम या बड़े से बड़ा काम उसको छोटा बड़ा मत मानो, कुछ भी करो, लेकिन आप महीने का कुछ ना कुछ, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, 10000 रुपए, 15 रुपए,
कुछ ना कुछ अर्न करना शुरू करो, क्योंकि जैसे ही आप अर्निंग करना शुरू करोगे ना, आपको पैसे की साइकोलॉजी समझ में आएगी, बाकी सारी चीजें समझ में आएगी, जैसे अर्निंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, स्पेंडिंग, बहुत सारी चीजें होती है, वो साइकोलॉजी को बिल्ड करना पड़ता है। तो बिल्ड करने के लिए पहले अर्न करना तो शुरू करना पड़ेगा ना। जब तक आप अपने माँ बाप के पैसे पर अपने जीवन को जी रहे ना, कभी भी वो साइकोलॉजी या माइंड सेट डेवलप होगा ही नहीं जो कि पैसे कमाने के लिए चाहिए होता है। मैंने अपनी एज जो है, जब मैं 9th क्लास में था, मतलब दोबारा 9th क्लास पढ़ी थी मैंने, तो जब वो दोबारा 9th क्लास पढ़ने लगा, उसके बाद से मैंने अपने पिताजी से कभी भी पढ़ाई के नाम पर पैसा नहीं लिया, क्योंकि मैं जहां पर भी जाता था कुछ ना कुछ काम करने लगता था, चाहे वहां की देखभाल करना हो उस इंस्टीट्यूट की, कोई साफ सफाई करने का काम हो, कुछ भी काम हो, तो मेरी फीस नहीं लगती थी, मतलब मुझे कुछ मिलता नहीं था लेकिन मेरी फीस माफ हो गई थी। तो माफ होना भी, मैंने पैसा बचाया, वो पैसा कमाया ना, जहां पर 10-20 हज़ार रुपए मेरी फीस लगनी थी वहां पर वो फीस नहीं लगी, तो मेरी फीस नहीं लगी मतलब मैंने वो पैसा अर्न किया है, उस पैसे को कमाया है, समझ रहे हो बात को। तो आपको भी ऐसा कुछ ना कुछ काम करना है जहां से या तो आप पैसा बचा रहे हैं या फिर आप पैसा कमा रहे हैं। बहुत छोटे हैं तो यदि बच भी रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और ये थोड़े बड़े हो गए हैं, कहीं से 2,000, 5,000, 10,000 रुपए कुछ भी मिलता है, उसको कमाना सीखो। क्यों सीखो? क्योंकि एक हेल्दी माइंडसेट आपका अर्निंग का यहां से डेवलप होता है। आप पुराने तरीके क्या है जिनसे आप पैसे कमा सकते हो, वो है ट्रेडिशनल वे। जैसे आप कहीं पर प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, जहां पर भी आपको मिलती है वहां से आपकी एक इनकम होना शुरू हो जाएगी। रोडमैप जो है बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी, और शुरुआत कहां से होगी? यहीं से। कहां से? ओल्ड वे से करो या न्यू वे से करो। नए तरीके क्या है पैसे कमाने के? कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, यहां से पैसे कमा सकते हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, आप ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हो, आप एफिलिएट AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। आप चाहे ओल्ड वे का यूज करो चाहे नए तरीके का यूज करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे आप लोगों से एक प्रॉमिस चाहिए। क्या प्रॉमिस है? आप लोग कहेंगे कि यार आप तो हमारे ऊपर हक जमा रहे हैं। बिल्कुल हक जमा रहा हूं। यदि आप मुझे देख रहे हैं तो मेरा ये मकसद है कि आपकी जो ग्रोथ है वो मेरा मकसद है, आपके जीवन में जो बदलाव है वो मेरा मकसद है। तो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आना चाहिए, और वो बदलाव कैसे आएगा? जब मैं आपके ऊपर अपना हक जमाऊंगा। तो मेरा आपसे ये कहना है कि कुछ भी करो। यदि जो व्यक्ति कमा रहे हैं वो सोचो कि मैं अपनी अर्निंग को बढ़ाऊंगा कैसे, और जो बिल्कुल नहीं कमा रहे हैं, जीरो पर है, वो सोचो कि मैं 5,000, 10,000, 15,000 कहां से कमा सकता हूं। क्यों? आपको मैंने माइंडसेट समझाया, यदि आप कमाना शुरू करोगे तो फिर उसके आगे की कहानी शुरू होती है। अब आगे की कहानी कैसे शुरू होगी वो समझिएगा, कि आपने कमाना कहीं ना कहीं से शुरू कर दिया, तो आगे की कहानी क्या है? अगली कहानी ये होती है कि आपको हैबिट ऑफ सेविंग उसके बाद डेवलप करना होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब मान लीजिए जो व्यक्ति कमा रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, जो व्यक्ति नहीं कमा रहे वो कमाना शुरू करो, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखो ताकि आपको समझ में आएगा कि आगे क्या करना होता है। अब जैसे मैंने मान लीजिए कि 9-10 के बाद काम करना शुरू कर दिया था, पैसे मुझे उस समय नहीं मिलते थे, 12th तक मुझे कोई पैसा नहीं मिला, लेकिन मेरा कोई पैसा लगा भी नहीं, मतलब मेरे को अपने पिताजी से कोई भी पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब 4 साल मेरी पढ़ाई वैसे ही होगी। 4 साल के बाद जब मैंने कमाना शुरू किया तो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस जो था मेरा उस समय लर्निंग पर भी था और सेविंग पर भी था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पैसा 5,000, 7,000, 6,000 कहीं से आने लगा था मेरे पास, ठीक है, मैं कहीं जॉब करने लगा था तो वहां से मेरे पास 5,000-6,000 रुपए आ रहा था। उस 5,000-6,000 में से मैंने सेविंग करना शुरू कर दिया, मतलब मेरा एक्सपेंडिचर इतना अच्छा होता था कि मेरी सेविंग हो जाती थी उस 5,000-6,000 में से भी। तो अब यहां पर दो माइंडसेट के लोग होते हैं, आपको कौन सा माइंडसेट अपनाना है यह भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सेविंग के मैटर में दो माइंडसेट काम करते हैं। पहला, कि हम पहले खर्च कर लेते हैं उसके बाद देखेंगे, सेव कर लेंगे, जो बच जाएगा वो सेविंग होगी, समझना। कि पहले क्या करेंगे, हम खर्च कर देंगे, जो भी पैसा बचेगा वो सेविंग होगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 90% लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो पूरा का पूरा ही खर्चा हो जाता है, ओवर खर्चा हो जाता है और वो सेव नहीं कर पाते। सेकंड टाइप का जो माइंडसेट होता है, ये मेरा शुरू से ही माइंडसेट रहा है कि पहले हम सेविंग कर लेंगे, उसके बाद जो बच रहा है उसमें हम देखेंगे कि अपने एक्सपेंडिचर को कैसे अलग करना है। अच्छा, ये सेविंग क्यों करना है, ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, तो पहले इसको समझ लो कि दो माइंडसेट होते हैं। एक माइंडसेट पहला वाला होता है कि भैया पहले स्पेंड कर दूंगा, उसके बाद देखूंगा जो बच रहा है उसमें देखेंगे सेविंग हो रही है कि नहीं हो रही। और दूसरा माइंडसेट क्या होता है कि भैया पहले मैं सेव कर लूंगा अपना, है ना, कि जितना मुझे मंथली सेव करना है उतना मैं सेव कर लूंगा, उसके बाद देखूंगा कि मुझे कितना स्पेंड हो रहा है मेरा, या मेरा मंथली एक्सपेंडिचर क्या है, उस हिसाब से मैं अपने आप को मैनेज कर लूंगा। व्यक्ति क्या करता है, जब उसके पास खुली छूट होती है ना, तो वो मैनेज करना नहीं जानता, कंट्रोल करना नहीं जानता। मान लीजिए कि मंथली उसके पास 10,000 रुपए ही है खर्चा करने के लिए, है ना। अब खर्चा करने के लिए 10,000 है तो वो अपनी स्पेंडिंग की लिमिट्स को बना लेगा कि यार ये इतना नहीं इतना कर लेता हूं, इतना नहीं इतना कर लेता हूं, है ना, हर जगह से अपने आप को मैनेज कर लेगा। लेकिन मान लीजिए उसके पास 20,000 रुपए है और उसको बचाना भी है और खर्च भी करना है, यदि खर्च पहले करेगा तो पूरे 20,000 खर्च कर देगा, क्योंकि चीजें खर्च करने के लिए बहुत सारी है। आप
अनगिनत ऑप्शन है। और आजकल शॉपिंग मॉल्स बन गए हैं, वहां पर जाता है व्यक्ति, जो चीज नहीं भी खरीदना होता है वो खरीद लेता है। ऑनलाइन शॉपिंग हो गई है, जो चीज नहीं खरीदना होता है वो भी खरीद लेता है। स्पेंडिंग की जो हैबिट है वो बढ़ गई है। तो आपको इसलिए क्या करना है, सेकंड वाला माइंडसेट अपना अपनाना है। पहले तो आपको कहीं से अर्निंग शुरू करनी है, यदि आपने कर चुके हैं, आपकी थोड़ी थोड़ी अर्निंग शुरू हो गई है, तो आपको पहले सेव करना है। और उसका क्या रूल है कि भैया कैसे सेव करना है, तो सिंपल सी चीज है कि जो भी आप कमा रहे, तो मान लीजिए आप 100% कमा रहे हैं, जो भी आपकी सैलरी है, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, जो भी आपकी सैलरी है, आपको क्या करना है कि उसमें से कम 10%, है ना, उसके बाद 20%, और इससे ज्यादा बचा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मतलब यदि आप 10,000 कमा रहे हैं तो आपको 1,000 बचाना ही है, ज्यादा बचा सकते हैं 2,000 तक। 20,000 सैलरी है तो कम से कम आप उसमें से 2,000 तो बचाइए ही, यदि 4,000 बच जाए तो बहुत अच्छी बात है। 50,000 कमा रहे हैं यदि, तो 5,000 और यदि 10,000 बचा सकते हैं या उससे ऊपर बचा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे जैसे व्यक्ति की सैलरी बढ़ती जाती है, उसके एक्सपेंडिचर तो लिमिटेड ही होते हैं मान के चलिए मंथ के, तो वो अपनी सेविंग को बढ़ा सकता है। तो पहले अर्निंग करना शुरू कर दे, उसके बाद हम अपनी जो इनकम है उसको भी बढ़ाना शुरू कर देंगे धीरे धीरे करके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले अर्निंग तो करना शुरू करें, यदि घर पर ही हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे रहेंगे तो कुछ काम होने वाला नहीं है। दिमाग चलाना पड़ेगा कि पहले अर्न करना शुरू करो, उसके बाद उसको ज्यादा कैसे करना है उसको करना शुरू करो, ठीक है। तो आपको कम से कम 10% और उसके बाद 20% तक अपनी सेविंग को लेके जाना है, उससे ज्यादा बचा रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। ये वाला माइंडसेट समझ गए होंगे। तो पहली चीज आपको अर्निंग करना शुरू करना है, दूसरी चीज उस अर्निंग को सही माइंडसेट के साथ सेव करना शुरू करना है। पहले सेव करो, उसके बाद जो पैसा बचा है उसमें अपने मंथली एक्सपेंडिचर को निकालो, ठीक है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, हैबिट ऑफ स्पेंडिंग। अब दिक्कत क्या होती है कि सेव भैया तब होगा जब आपकी हैबिट ऑफ स्पेंडिंग सही बनी होगी। अब यदि आपकी हैबिट नहीं है सेव करने की, तो दिक्कत क्या हो जाएगी कि आप सारा का सारा पैसा उड़ा देंगे, और उड़ाने के बाद क्या करेंगे, बोलेंगे कि यार मेरे पास तो सेविंग होती नहीं है, मैं अमीर नहीं बन पा रहा हूं। अब भैया अमीर बनने की साइकोलॉजी क्या है कि आपको जो पैसा कमा रहे हैं उसको सेव करके इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप अकेले कब तक काम करोगे, आपको अपने 3-4 लोगों से काम करवाना पड़ेगा। ये सिंपल सी थ्योरी होती है अमीर बनने की, एक थ्योरी, और भी बहुत सारी थ्योरी है लेकिन ये एक बहुत फेमस थ्योरी है। तो इस थ्योरी से यदि आपको अमीर बनना है तो आपको शो ऑफ पर स्पेंड करना बंद करना होगा। आजकल जो नए बच्चे हैं सोसाइटी में, किसी के पास यदि उन्होंने आईफोन देख लिया तो उनको भी आईफोन चाहिए, किसी के पास यदि कोई ब्रांडेड चश्मा देख लिया, जूते देख लिए, है ना, तो उनको वही चाहिए। मैं कह रहा हूं यदि आपको एक रनर बनना है, यदि आपको एक रनर बनना है, मैं कह रहा हूं, खुद कह रहा हूं कि आप 2-4 हजार के जूते मत पहनना, फिर देखना 10,000, 15,000, 20,000 का जूता देखना। क्यों? क्योंकि वो आपकी रनिंग के काम आएगा, मेरी बात को समझिएगा। यदि आपको शूटर बनना है तो आप फिर देखिए कि महंगी से महंगी बंदूक कौन सी। यदि आपको क्रिकेटर बनना है तब देखिए कि आपका महंगा से महंगा बैट कौन सा है या बॉल कौन सी है। आप देखिए ना, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जहां पर आपका कोई काम ही नहीं है उस चीज को सिर्फ आपको क्या करना है, शो ऑफ करना है। मान लीजिए किसी बच्चे ने 10-15 हजार का चश्मा पहना है, रेवन या कोई ब्रांड का चश्मा पहना है, तो आप समझिएगा कि उसको भी वही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसको वो स्टेटस मेंटेन करना है, वो लोगों को बताना है, शो ऑफ करना है कि यार इसने खरीदा है, मैं भी खरीद सकता हूं। प्लीज यदि आप में से कोई भी भाई बहन ऐसे वाली साइकोलॉजी में फंसा हुआ है, वो मध्यम वर्गीय परिवार से है, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। क्योंकि जितने भी ब्रांड हैं वो एक्चुअल में बने ही इसलिए है क्योंकि बड़े लोग तो वो चीजें पहनते हैं जो आपको नाम भी पता नहीं होंगे, मतलब वो इस प्रकार के ब्रांड पहनते हैं, ठीक है, इतने बड़े ब्रांड पहनते हैं कि वो आपको नाम भी नहीं पता होता। लेकिन जो एक ब्रांड स्टैब्लिश करते हैं लोग, वो इसीलिए करते हैं कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनको वो आकर्षित कर सके कि देखो बड़ा लोग जो है इस प्रकार का कपड़ा पहनते हैं। तो नॉर्मल मध्यम वर्गीय परिवार को क्या लगता है कि मैं भी इस प्रकार के कपड़े पहनूंगा ना तो मैं भी उनकी तरह दिखूंगा। भैया ठीक है, आप दिख सकते हो उनकी तरह लेकिन बन नहीं सकते, समझिएगा। दिखने में और बनने में बहुत अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। तो आपको अमीर आदमी बनना है कि दिखना है, अब आप आज तय करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा कि हां भैया आप लोगों की यह इच्छा है। यदि दिखना है फिर मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, फिर आपको बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि बनना है तो उसके लिए ये वाला माइंडसेट चाहिए कि आपको स्पेंडिंग हैबिट जो शो ऑफ वाली होती है उसको खत्म करना होगा आज के बाद। जब तक अच्छे से अमीर ना बन जाओ, है ना, बनना है हमको, दिखना नहीं है, अमीर दिखना नहीं है हमको, अमीर बनना है। कितने अमीर व्यक्ति को देखो यार, आप बिल गेट्स को देख लो, मार्क जुकरबर्ग को देख लो, आप बड़े से बड़े, स्टीव जॉब्स जब जीवित थे तब उनको देखते, बड़े से बड़े, या आप हमारे इंडिया का एग्जांपल लीजिए, मुकेश अंबानी जी को देखो, उनके बच्चों को देखो, आनंद को देखो, आकाश को देखो, जब भी आप उन्हें देखेंगे ना, मोस्टली आप देखेंगे एकदम सिंपल कपड़े, एकदम सिंपल, कभी लोअर में आ जाएंगे, है ना, कभी ऐसे ही सिंपल कपड़े में आ जाएंगे। राकेश झुनझुनवाला जी जब प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे, तो मैं फोटो लगवा दूंगा यहाँ पर, एकदम ऐसी कुर्ता पहन के गए थे कि कई लोगों ने उनको बड़ा ट्रोल भी किया कि अरे देखो प्रधानमंत्री जी से मिलने गए और ऐसे कपड़े पहन के चले गए। उन्होंने बाद में बोला कि यार मैं बढ़िया अच्छे कपड़े पहन के गया था, प्रेस करवा के गया था, वहां पर साला आ गया तो मैं क्या करूं।
उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, और पड़े भी क्यों। दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड इन्वेस्टर, मतलब ऐसा इन्वेस्टर की दुनिया चाहती है उनके जैसे बनना। अब वो कैसे कपड़े पहन के जा रहे हैं, वो चड्डी पे भी चले जाते तो क्या ही फर्क पड़ जाता है, यदि चड्डी बनियान पे भी चले जाए या लोअर पहन के चले जाए तो भी क्या फर्क पड़ जाता। लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता है, आपको सिंपल समझना पड़ेगा कि उनको पता है मेरे बैंक में कितना पैसा है या मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है ना, 40-45 हज़ार करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी वैल्यू क्या है, इसलिए आपको शो ऑफ पर कभी भी स्पेंड नहीं करना है, स्पेंड मोर देन अर्न कभी नहीं करना है ना। उसको बोलते हैं ना हमारे यहां पर कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, कि भैया कमाया तो तूने 98 रुपया है, 25 पैसा है, लेकिन तूने क्या किया कि 1 रुपया खर्चा कर दिया। तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो आजकल क्रेडिट कार्ड आ गए हैं तो उनके पास वो पैसा है भी नहीं, उससे पहले ही उसे खर्च कर देते हैं। तो प्लीज आप जब तक क्रेडिट कार्ड को ठीक से समझ ना ले कि वो अमीरों के लिए ही बना हुआ है, मतलब जिनके पास कभी पैसे खत्म नहीं होते वो उनके लिए बना है, उनकी अच्छी सुविधाओं के लिए बना है, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति के लिए क्रेडिट कार्ड नहीं है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा, है ना। बैंक भी पैसा उसको देना चाहती है जो वापस दे देगा टाइम पर, बैंक कभी ऐसे व्यक्ति को पैसा देना नहीं चाहती। आप गरीब हो, आप के पास ज्यादा पैसा नहीं है, आपकी अर्निंग एबिलिटी नहीं है ना, तो बैंक आपको लोन देगी ही नहीं। वो आपसे पहले ITR मांगेगी, 4 प्रूफ मांगेगी, नहीं है तो आपको भगा देगी। बैंक पता है किसको लोन देती है, जिसके पास ऑलरेडी पैसा है, क्योंकि बैंक को पता है कि भैया हमको वापस वसूलना भी है, और वसूला किससे जा सकता है, जिसके पास ऑलरेडी पैसा होगा। जिसके पास पैसा ही नहीं है या अर्निंग ही नहीं है, सोर्सेज ही नहीं, उसको वसूल सकती है क्या, वो नहीं वसूल सकती है। तो आपको इस बात को समझना होगा कि आपको कभी भी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया नहीं करना है। यदि आपने 1 रुपया कमाया है तो उसमें से 25 से 50 पैसे ही आपका खर्चा होगा, बाकी की सेविंग होगी। और ना भी हो तो भैया 1 रुपया तक ही खर्चा करो, यदि 1 रुपया कमाई है तो 1.5-2 रुपए खर्च मत करो, नहीं तो फिर बर्बादी से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। EMI वाली जो लाइफ चलती है आपकी, उसको खत्म करो। मुझे याद नहीं है, मुझे एक ही चीज का याद आता है मेरी पूरी लाइफ में, अभी तक है ना, अभी तक की पूरी लाइफ में मैंने एक ही बार एक टीवी हमने लिया था, 1.5 लाख का एक टीवी लिया था सोनी का, जो सबसे उस समय में सबसे फेमस था, नया था, बड़ा था, तो 1.5 लाख का टीवी लिया था हमने। उस पर कुछ बड़ा हैवी डिस्काउंट मिल रहा था, सिर्फ उस डिस्काउंट को लेने के लिए मैंने एक बार, उसको 0% पर चल रहा था वो, मतलब उसमें मेरा कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं लगा, 0% उसको लोन बोलते हैं, तो वो 0% लोन लिया था मैंने। और क्यों लिया था, क्योंकि मुझे लोन लेने पर प्रॉफिट मिल रहा था, है ना, टीवी का प्राइस कम हो गया पहली चीज, और EMI में हो गया था, इसलिए मैंने लिया था। उसके बाद आज तक जीवन में मैंने कोई भी EMI नहीं लिया है। जितना पैसा मेरे पास होता है मैं उसमें अपने एक्सपेंडिचर को लिमिट करके रखता हूं, सिंपल सी चीज है ये, ठीक है। और फिर जब आपको पैसा आ जाता है आपके पास, तो फिर आप क्या करते हैं, उसको समझते हैं, उस थ्योरी को समझते हैं। जैसे अब हमारे पास मान लीजिए पैसा आ गया, तो हम उस थ्योरी को समझते हैं कि यदि मुझे 20 लाख की कोई कार लेना है तो अब मैं 20 लाख पूरे नहीं दूंगा उसको, अब मैं EMI बनवा लूंगा या लोन पर ले लूंगा। क्यों, क्योंकि उसी समय में यदि इस 20 लाख को मैं काम पर लगा दूंगा तो ये मुझे उससे ज्यादा रिटर्न करके दे देगी, और वो EMI भी भरा जाएगी, और ये पैसा भी मेरा सेफ रहेगा। ये सीखने की बातें होती है। अब मैं EMI मतलब लोन ले सकता हूं, लेकिन वो लोन कैसा होगा, स्मार्ट लोन होगा, उससे मेरा कुछ खराब नहीं होगा, उससे बल्कि मेरा फायदा होगा। तो ऐसे लोन लेना है जिससे आपका फायदा हो, लेकिन वो कब ले पाओगे, जब आप अमीर बन जाओगे तब लोगे वो लोन, ठीक है। चौथा, डोंट मेक बैलेंस बिटवीन अर्निंग एंड स्पेंडिंग। नहीं, ये है कि मैं मेक बैलेंस बिटवीन, ये डोंट नहीं है, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। मेक बैलेंस बिटवीन अर्निंग एंड स्पेंडिंग, ये बहुत जरूरी है। आपको अपनी अर्निंग और अपने एक्सपेंडिचर जो होते हैं उसके बीच में एक परफेक्ट बैलेंस बनाना होगा, ताकि वो बैलेंस डगमगाए ना। किसकी लाइफ बर्बाद होती है, जो जल्दी अमीर बनना चाहता है और फिर अपनी अर्निंग और अपनी स्पेंडिंग के बीच में क्या करता है, वो एक सही तालमेल नहीं बिठा पाता है और अपने पैसों को ज्यादा खर्चा करता जाता है और अपनी उधारियों को बढ़ा लेता है। तो आपको याद रखना है कि आपको अपने ये जो अर्निंग और स्पेंडिंग है इसके बीच में एक बहुत परफेक्ट बैलेंस बनाकर चलना होगा, तब जाकर आप अपनी सेविंग को बढ़ा पाओगे। तो आपको क्या करना है, हैबिट ऑफ स्पेंडिंग को भी ठीक करना है, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट याद रखिएगा कि इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अपने पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है। कई सारे लोग सेविंग तो बहुत सारी कर लेते हैं, लेकिन उनका स्पेंडिंग हैबिट नहीं हो, इन्वेस्ट हैबिट सही नहीं होता है। वो कहीं भी गलत चक्करों में, जैसे अभी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन आ रही है, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी आ रही है जिसपे गवर्नमेंट ने भी बैन लगाया है, और गवर्नमेंट भी आपको समय समय पर सलाह देती है और उन एड में लिखवाती भी है कि इसमें इस एप्लीकेशन को चलाना जोखिम भरा हो सकता है। आपने यदि सुना है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जिस पर ऐसा आता है। उस एड के आने के बाद या उस एड के आने के पहले बताते हैं वो लोग कि इस ऐप को करना जोखिम भरा है। जैसे सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है इसको पीने से आपकी जान जा सकती है, शराब पर लिखा होता है, ऐसे ही उन एड के पहले भी ये लिखा होता है कि यदि ये आप गेम खेलोगे या ये एप्लीकेशन चलाओगे तो आपका पैसा बहुत ज्यादा जोखिम में है।
उसके बाद भी व्यक्ति करता है वो काम। क्यों करता है? क्योंकि उसको जल्दी अमीर बनना है, क्योंकि उसको जल्दी पैसा चाहिए, और जल्दी के चक्कर में जो है वो भी गवा बैठता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि भैया हाउ टू इन्वेस्ट, ये भी एक स्मार्ट डिसीजन होता है। आप अपना पैसा हर कहीं निवेश नहीं कर सकते। व्यक्ति सट्टा लगाता है और उसको कहता है कि ये निवेश कर रहा हूं, इससे पैसा मेरा बढ़ेगा, वो सट्टा ही है, वो कभी भी निवेश नहीं हो सकता है। तो आपको सट्टे और निवेश के बीच में फर्क पता होना चाहिए। तो इंडिया के अंदर आप क्या कर सकते हैं, चार जगह हैं जहां से आप निवेश कर सकते हैं और अपना बहुत ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि पहला, आपको सेल्फ पर इन्वेस्ट करना चाहिए हमेशा। सेल्फ पर इन्वेस्ट करेंगे तो आप ज्यादा कमा सकते हैं। जैसे जो मेरी शुरू शुरू की अर्निंग थी ना, मैंने उसको कोशिश किया कि सेव करके अपने ऊपर ही लगाऊं, कोई नया कोर्स कर लूं, कोई नई चीज सीख लूं, कोई नया आइडिया आ गया, कोई नया इंस्ट्रूमेंट ले लूं। जैसे मैंने जब YouTube शुरू किया था तो मेरा बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट चल रहा था, मेरे पास बहुत अच्छी अर्निंग थी, तो मैंने कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं अच्छा कैमरा खरीदने में, अच्छा माइक खरीदने में, अच्छा डिजिटल बोर्ड खरीदने में, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैंने अपने कपड़ों में कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अपने परफ्यूम में, अपने जूते में, अपने बाकी सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि वो ब्रांडेड नहीं होगी तो भी चलेगी, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि मेरे को जहां से पैसा कमाना है उस चीज के लिए जो मुझे अच्छे इक्विपमेंट चाहिए, मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो इसको कहते हैं सेल्फ में इन्वेस्ट करना। यदि मैं सेल्फ में इन्वेस्ट नहीं करता तो आज मेरे एक चैनल पर YouTube पे ऑलमोस्ट 4 मिलियन, एक दूसरे चैनल पर 1.9 मिलियन, Facebook पर 4.2 मिलियन, Instagram पर 1 मिलियन इतने फॉलोअर नहीं होते। यदि मैं कंजूसी कर जाता, यदि मैं रेवन का चश्मा पहनता, यदि मैं नाइकी के जूते पहनता उस समय में, यदि मैं कपड़े ब्रांडेड पहनता, तो शायद हो सकता था कि इधर ज्यादा खर्चा हो जाता। मैं सोचता यार ज्यादा खर्चा हो गया, कोई सस्ता सा कैमरा ले लेता हूं, कोई सस्ता सा माइक ले लेता हूं, डिजिटल बोर्ड नहीं लेता हूं, ऐसे ही पढ़ा लेता हूं। तो क्या होता कि मैं सेल्फ में कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं। सेल्फ मतलब समझना, सेल्फ मतलब खुद पर निवेश करके बात, खुद पर निवेश करने की बात कर रहा हूं, मतलब ज्ञान पर, जहां से आपका नॉलेज बढ़ता है, जहां से आपकी क्वालिटी बढ़ती है प्रोडक्ट की जो आप लोगों को देना चाहते हैं। तो इस बात को समझिएगा कि सबसे पहले तो आप सेल्फ में स्पेंड कर सकते हैं, इसको इन्वेस्ट ही कहेंगे। यदि मैं इतना अच्छा इन्वेस्ट नहीं करता तो शायद इतने अच्छे रिजल्ट निकल के सामने नहीं आते। दूसरा, इंडिया के अंदर आप निवेश कर सकते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। प्रॉपर्टी के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है कि प्रॉपर्टी के अंदर आप या तो रेंटेड इनकम रेंटेड प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या फिर आप ऐसी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं जिसका भाव बढ़ने वाला हो। जैसे आप प्लॉट खरीदेंगे तो उसमें रेंट नहीं मिलेगा आपको, लेकिन प्लॉट खरीदेंगे उसको लंबे समय होल्ड करके रखेंगे तो उसका भाव बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी आपको। यदि आप कोई बिल्डिंग खरीदते हैं तो बिल्डिंग का भी भाव बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ आपका क्या होगा कि उसका रेंट भी आपको मिल जाएगा। यदि आप खेत खरीदते हैं तो खेत का भाव भी बढ़ेगा और उसका रेंट भी आपको मिलेगा। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आप प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, गोल्ड भी ले सकते हैं। आपको पता है कि लंबे समय में हमेशा गोल्ड का रेट बढ़ता ही है, तो आप गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं। और चौथा, फिर आप सेफली स्टॉक मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे डेंजर वाले ऑप्शन भी है और बहुत सारे सेफ वाले ऑप्शन भी है। तो मैं अब आपको बताता हूं कि यदि आपके पास कितना पैसा आएगा तो आप कहां कहां पर कैसे शुरुआत कर सकते हैं, इसकी हम बताते हैं। ठीक है, कि कैसे आप अपनी 1,000 से 1 करोड़ की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। सिंपल है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। यदि आपकी अर्निंग 1,000 से 10,000 के बीच में है, और ये आपकी सेविंग है, अर्निंग नहीं बोल रहा हूं, यदि आपकी सेविंग 1,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के बीच में है, तो इससे आप गोल्ड तो नहीं खरीद पाओगे बहुत ज्यादा, और ना ही बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी खरीद पाओगे इस 1 से 10,000 रुपए के बीच में सेविंग में। तो आप क्या कर सकते हो, इस पैसे को शुरुआत कर सकते हो इंडेक्स फंड में। इंडेक्स फंड मतलब, अब हमने कहां से शुरुआत कर दी निवेश करने की, तो हमने यदि आपकी सेविंग कम हो रही है, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 इतनी ही सेविंग हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, स्टॉक मार्केट से अपने निवेश को शुरू कर सकते हो। लेकिन स्टॉक मार्केट में भी एक तो बहुत सारे डेंजर वाले मोड है, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करो बर्बाद हो जाओ, कोई टेंशन नहीं है, खुद से स्टॉक सेलेक्ट कर लो, किसी एक्सपर्ट से ना लो, सेवी रजिस्टर एक्सपर्ट से ना लो, बर्बाद हो जाओ, वो बर्बाद कर देगा आपको। तो आपको क्या करना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में निवेश तो करना चाहिए, लेकिन सेफ निवेश करना चाहिए यदि आपकी सेविंग कम है। तो सेफ निवेश क्या है, सबसे अच्छा आप म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं, और वहां से आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपकी अर्निंग 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए के बीच में है, तो आप कुछ पैसा इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं और कुछ पैसा सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड के अंदर। समझना, मैंने रेशियो बना दिया, 1,000 से 10,000 के बीच में सेविंग है तो आप इंडेक्स फंड में या म्यूचुअल फंड में निवेश कर दो। यदि 10,000 से लेकर 50,000 तक आपकी सेविंग है, सेविंग की बात कर रहा हूं, अर्निंग नहीं, सेविंग है, तो आप कुछ पैसा इंडेक्स फंड में लगा दो, चलने दो उसको, कुछ पैसा आप गोल्ड में लगा दो। यदि आपकी सेविंग 50,000 से 1,00,000 के बीच में है, तब आप कुछ पैसा इंडेक्स फंड में चलने दो, कुछ पैसा गोल्ड में चलने दो, और कुछ पैसा जो है आप धीरे धीरे करके सेव करके 5-10 लाख की प्रॉपर्टी भी ले सकते हो 1 साल के अंदर। ठीक है, ये भी सिंपल सी थ्योरी है। और हमेशा चौथा पॉइंट याद रखना कि ये सब तो निवेश करते रहना, इंडेक्स फंड में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, इसमें तो निवेश करते रहना, लेकिन कभी भी खुद में निवेश करना मत भूलना।
हमेशा खुद को नए कोर्सेज, नई चीजें, नई नई चीजें सिखाते रहना। यदि खुद में निवेश नहीं करोगे तो आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारी ये वाली जो गुरुकुल की क्लासेस है ये बहुत ज्यादा महंगी नहीं रखी है और इसमें नॉलेज बहुत सारा मिलता है और अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। तो यदि आप जुलाई वाली क्लास को, गुरुकुल फिफ्थ बैच को स्टार्ट करना चाहते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपके जीवन को बदल सकते हैं, यहां से आप अपने जीवन को एक नया मोड़ दे सकते हैं। क्योंकि बिना सीखे तो आप लॉस करने वाले हैं ही, इस बात को सिंपल सी बात समझ लीजिएगा। हम कभी भी कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं स्टॉक की, ना ही कोई कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन देते हैं, इस प्रकार की चीजें नहीं करते हैं। जो बेसिक नियम है, बेसिक चीजें हैं, उसको ए टू जेड पूरा समझाने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि अच्छी वेल्थ कमा ली लेकिन हेल्थ नहीं है तो कोई मतलब की नहीं है, वो सिखाते हैं। माइंड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिखाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है, वो सिखाते हैं। इस प्रकार से कंप्लीट बहुत ही 45 डेज का मजेदार क्लास बनती है, रोज रात को होती है 9 बजे से 10:30 बजे तक। तो आई होप कि ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा कि कंप्लीट रोड मैप कैसा होता है। और यदि 45 डेज चैलेंज आप लेना चाहते हैं अपने जीवन के लिए, बहुत ही कम फीस है, इतनी तो आप लॉस कर देंगे यदि बिना सीखे स्टॉक मार्केट को करेंगे तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको ज्वाइन कीजिए और अपनी लाइफ में 45 दिनों के बाद एक बड़ा सा चेंज देखिए। मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ के अंदर होगा। तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन में और इन जुलाई वाली क्लास को स्टार्ट कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।